हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ पिथौरागढ़ का लंदन फोर्ट। तो आप सब मेरी वीडियो में बने रहिए, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगी पिथौरागढ़ का लंदन फोर्ट। तो चलिए अभी हम निकलते हैं घर से। देखा सबसे पहले यहाँ पे जो हमें है 20 रुपीज़ का टिकट लेना है, उसके बाद हमारी लंदन फोर्ट पे एंट्री है। तो टिकट हम लोग ले चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अंदर, एंट्री हो रही है। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए, तो आपको मैं दिखाती हूँ लंदन फोर्ट। हम तीन लोग हैं तो 60 रुपीज़ हमारा टिकट है। में आपको बताया गया है कि ये जो लंदन फोर्ट, ये गोरखाओं द्वारा 1789 में इसकी स्थापना हुई थी और ये गोरखाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे ऊंचे स्थान पे बनाया था। आप लोग अभी अंदर जाओगे तो देखोगे इसकी दीवारें जो है वो बहुत ऊंची ऊंची है और वो ऊंची उन्होंने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो आप, मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके पॉश करके दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। और इसको बाउल की गढ़ भी कहते हैं। बाउल की गढ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा कटोरी नुमा, ये वाला जो किला है ये थोड़ा कटोरी नुमा है। अभी आप अंदर जाएंगे मेरे साथ, अभी मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि ये थोड़ा बहुत कटोरी नुमा भी है, तो इसलिए इसको बाउल की गढ़ भी बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकती हो, ये जो है ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, पिथौरागढ़ का पूरा इंट्रो है यहाँ पे। और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। ऑफकोर्स ये मिनी कश्मीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा पिथौरागढ़ है ही इतना सुंदर। और जो कोई भी उत्तराखंड घूमने आए तो प्लीज़ एक बार पिथौरागढ़ में विजिट ज़रूर करिए, और पिथौरागढ़ में आएंगे तो लंदन फोर्ट में भी ज़रूर आना। कि कालांतर में विभिन्न राजवंशों का सैन्य स्थल रहा होगा, जिसमें मल्ल, बम, चंद, गोरखा एवं अंग्रेजों ने अपना प्रशासन इस घाटी में रहकर चलाया। पिथौरागढ़ की धरती को, जैसे आप सभी लोग जानते हो कि पिथौरागढ़ की धरती को वीरों की धरती कहा जाता है। और इसमें प्रथम जो विश्व युद्ध है, जो 1914 से 99 के महायुद्ध में पिथौरागढ़ क्षेत्र से 1005 सैनिकों ने इसमें प्रतिभाग किया था, और जिसमें से 32 सैनिक जो थे उन्होंने अपने प्राण उछाले किए थे। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर, यहाँ से है इसकी एंट्रेंस। एंट्रेंस में आते ही सबसे पहले ये लेआउट मैप है और इसमें आप देख सकते हो व्यू पॉइंट, और यहाँ पे कुमाऊनी रेस्टोरेंट है। कुमाऊनी रेस्टोरेंट जस्ट हमारे सामने है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे लोकल क्राफ्ट सेंटर है जो मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाऊंगी, और म्यूज़ियम भी है। बट म्यूज़ियम अगर खुला होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर खुला नहीं होगा तो नहीं दिखा सकती हूँ। और यहाँ पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, ये आप यहाँ पे पूरी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन की पूरी इंक्वायरी और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जो यहाँ पे लोकल टूरिस्ट प्लेस, इसकी डिस्टेंस बताया गया है कि मोस्ट मानो टेंपल जो है वो 7 किलोमीटर है, और कपिलेश्वर महादेव मंदिर 2 किलोमीटर है, नकलेश्वर टेंपल है वो 3 किलोमीटर है, और कामाक्षा मंदिर है वो 7 किलोमीटर है, और महाराजा पार्क यहाँ से 5 किलोमीटर है। और ये जो आप यहाँ पे पीपल का पेड़ देख रहे हो, इसके बारे में मैंने सुना है कि इसके यहाँ पे जो था पहले कुआं था, और उस कुएं में किसी की गिर के डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से इस कुएं को बंद करके इसमें ये पीपल का पेड़ जो था लगा दिया था। आप देख सकते हो ये पीपल का पेड़ कितना बड़ा हो चुका है। ये जो लंदन फोर्ट है, पहले यहाँ पे तहसील थी, अब जो तहसील है वो नीचे नगर पालिका में शिफ्ट हो गई है। जो पिथौरागढ़ वाले हैं उन लोगों को तो पता है कि शिफ्ट हो गई है, जिन्हें नहीं पता है, जो मेरे व्यूवर्स बाहर के हैं, मेरे सब्सक्राइबर, तो उन्हें मैं बता देती हूँ। ये बहुत ही सुंदर, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर फोर्ट है। आप लोग जब भी उत्तराखंड घूमने आए तो एक बार इसका विजिट ज़रूर करें। और यहाँ पे देखो आप, इतने सुंदर, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे। ये वाले फ्लावर्स जो हमारे स्कूल में कटिंग होती थी, हम लोग को फ्री एंगेजमेंट की कटिंग करवाने को दी जाती थी, वही लगा हुआ है। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर बेंचेस हैं, यहाँ पे हम लोग आराम से बैठ के अपने फ्रेंड के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ़ोटोशूट कर सकते हैं, और जो इंस्टाग्राम में रील बनाना चाहता है वो रील्स भी बना सकता है।
मिट्टी की बनी है। ये जो आप यहाँ पे होल देख रहे हो, तो यहाँ से वो लोग जो थे अपने किले की सुरक्षा करते थे और यहीं से वो अपने जो शत्रुओं को थे उन पे आक्रमण करते थे। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही है, अगर कुछ गलत बोला तो आप लोग बता देना। और यहाँ पे आके ना एक अलग सा सुकून सा महसूस हो रहा है ना दीप्ति? हाँ। लग रहा है ना, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। जैसे आप अगर शोर शराबा इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हो तो थोड़ी देर यहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करने आ सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जो दीवारें हैं कितनी ऊंची ऊंची है, बहुत ऊंची ऊंची रखी गई है। ये ऊंची आई थिंक इसलिए है कि यहाँ से जो गोरखा थे वो पूरे अपने पूरे किले में रह के अपनी पूरी किले की निगरानी वो यहाँ पे रह के करते थे। इतना सुंदर लग रहा है, उधर पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ की स्टोरी मैंने आपको बता दी। और अभी हम लोग इवनिंग के टाइम पे आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। आप देख सकते हो ये पूरा पत्थर और मिट्टी का बना है और बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में। यहाँ से देख सकते हो आप पूरा पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा है और पिथौरागढ़ कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो इसीलिए तो खाली थोड़ा बोला जाता है पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर, इसीलिए पिथौरागढ़ को बोला जाता है मिनी कश्मीर। आप जो ये नीचे फील्ड देख रहे हो ये है यहाँ का स्टेडियम, यहाँ से पूरा स्टेडियम और पूरा पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा है। ये चिंसानौला जो है वो इधर है और मीसेरा इधर है और इधर आप देख सकते हो व्यू पॉइंट भी दिखाई दे रहा है। तो पूरा पिथौरागढ़ जो है वो यहाँ से आराम से दिखाई दे रहा है। अभी इवनिंग का टाइम है तो उधर से धूप जो है इधर जाने वाली है, तो आप देखिए पूरा पिथौरागढ़ कैसे दिख रहा है। और कल से पिथौरागढ़ का मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है, अब थोड़ी ठंड जो है पिथौरागढ़ में कम हो चुकी है। टॉप में सिर्फ एक मंदिर दिख रहा है, वो है असुरचिला का मंदिर। आप देख सकते हो पूरा किला जो है मैंने आपको लगभग दिखा दिया है। हम लोग उधर से आए और इधर को यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, साफ सफाई है बिल्कुल और जगह जगह पे डस्टबिन रखे हैं। और ये जो है नीचे ये रामलीला फील्ड है और यहाँ पे अभी देख सकते हो आप बच्चे सारे खेल रहे हैं, फुटबॉल चल रहा है। यहाँ पे ये पूरा पहाड़ी कल्चर दिखाया गया है, ये हमारा पिछौड़ा है और नीचे से घाघरा, ऊपर ब्लाउज और गलोबंद, ये जो पूरा पहाड़ी कल्चर को दिखाया गया है। और ये है यहाँ का लोकल क्राफ्ट सेंटर, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी मुखौटे वगैरह बनाए गए हैं ये सब हाथ से बनाए हैं और कितने सुंदर, इतना साफ और एकदम क्लीन वर्क किया गया है। और ये जो मुखौटा है ये मुखौटा है लखिया भूत का और इसके साथ उन्होंने बनाए हैं यहाँ पे, लखिया भूत के साथ बैल होते हैं, किसान होते हैं, उनके मुखौटे भी बनाए हैं। लखिया भूत जो होता है हिल्स यात्रा निकाली जाती है कुमौड़ गांव से, पिथौरागढ़ के कुमौड़ गांव से, अब जब निकलेगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। ये जो भी वर्क किया गया है सारा हाथ से किया है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक वुडन वर्क का भी रखा हुआ है, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी आप देखिए ऊपर भी जो है वो ऐपड़ हैं, ऐपड़ से बनाई हुई है और ये भी सारे इन्होंने हाथ से बना के मुखौटे ऊपर ऐसे सोपीस में लगाए हैं जो दिखने में बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे थे। और ये है यहाँ का पहाड़ी रेस्टोरेंट जिसमें लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। आ चुके हैं यहाँ के रेस्टोरेंट से बाहर, जब हमने कुछ खाया नहीं क्योंकि हम घर से पेट भर के मैगी खा के आए हैं। और जो था दिया है और अभी मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारी प्यारी हवा चल रही है, मन कर रहा है यहाँ से ना जाऊँ, लेकिन कैसे ना जाऊँ, दक्षिण को छोड़ के आई मम्मी के पास और मम्मी ने बोला है कि जल्दी आना, बट जा रही हूँ। और रात को यहाँ का नज़ारा और भी अच्छा होता है, चारों तरफ आप ये छोटी छोटी लाइट्स देख सकते हो, ये लाइट्स ऑन की जाती है तो यहाँ पे जो है पूरे फोर्ट पे पूरे किले पे ये लोग लाइटिंग करते हैं। लेकिन अभी कभी पॉसिबल होगा तो मैं रात को अभी व्यू आप लोग को दिखाऊंगी, अभी मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं दक्षिण को मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर बताना। और आज है संडे और संडे को पिथौरागढ़ का मार्केट रहता है बंद, तो इसलिए सारी शॉप्स हैं यहाँ पे बंद।
घर पहुंच गए हैं हम लोग। आई होप आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।